नमस्ते दोस्तों, एंटीबायोटिक ये नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा, क्योंकि आपको कभी भी फीवर या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर एक तो एंटीबायोटिक आपको प्रिस्क्राइब करते ही है। तो इसीलिए एज अ मेडिकल स्टोर ओनर आपको ये जानना काफ़ी ज़रूरी है कि ये एंटीबायोटिक क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको जाननी ज़रूरी है कि कौन से वो टॉप एंटीबायोटिक्स है जो डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन में ज़्यादातर लिखते हैं। तो आज इस वीडियो में हम टॉप 10 एंटीबायोटिक ब्रांड्स के बारे में बात करेंगे जो सबसे रनिंग है, जिसको आपको अपने मेडिकल स्टोर में रखना चाहिए। वीडियो शुरू करें इससे पहले आप सभी को एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपने अपना खुद का मेडिकल स्टोर शुरू किया है तो टेलीग्राम पे हमारा ऑल इंडिया मेडिकल स्टोर ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन दैट फाइट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन द ह्यूमन एंड एनिमल एज वेल। दे वर्क बाय किलिंग बैक्टीरिया और मेकिंग इट हार्ड टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई। इसका मतलब अगर हमारे बॉडी में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उस इन्फेक्शन को कम करने का काम करती है एंटीबायोटिक्स। और वैसे एंटीबायोटिक के तीन प्रकार के रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, एक तो ओरल, फिर टॉपिकल एंड देन इंट्रावेनस। अब बात करते हैं कितने प्रकार की एंटीबायोटिक्स होते हैं, तो कुल मिला के चार प्रकार की एंटीबायोटिक्स होती है, पेनिसिलिन, सेफालोस्पोरिन, टेट्रासाइक्लिन एंड अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। तो इस प्रकार कुल मिला के एंटीबायोटिक्स के प्रकार होते हैं, और आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन के सीवियरिटी के अनुसार डॉक्टर आपको कोई भी एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो अब जानते हैं वो टॉप 10 एंटीबायोटिक्स के ब्रांड जो डॉक्टर मोस्टली अपने प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं। एंटीबायोटिक की जानकारी दूं इससे पहले एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एंटीबायोटिक्स ये शेड्यूल्ड मेडिसिन है, मतलब ये शेड्यूल एच या H1 में आती है, मतलब इसको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन आप बिल्कुल सेल नहीं कर सकते। इसलिए जब भी कोई डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आता है तभी आप किसी भी एंटीबायोटिक को सेल करें। सबसे पहला एंटीबायोटिक है एजी। इस ब्रांड की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है सिप्ला। एजी इस ब्रांड का कंटेंट है एजिथ्रोमाइसिन, जो रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, नोज, ईयर, थ्रोट, स्किन, लंग, इनके इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। वैसे इसके अलग अलग वेरिएंट, मतलब फॉर्मुलेशन है, एजी सिरप और एजी टैबलेट में आते हैं। और बात करेंगे कितने प्रकार के एजी आते हैं, तो टैबलेट एजी 500, टैबलेट एजी 250, सिरप एजी 100 एंड सिरप एजी 200, इतने प्रकार के एजी के ब्रांड्स आते हैं। अब बात करते हैं इसकी एमआरपी की। तो एजी 500 की एमआरपी है 120 rupees फॉर 5 टैबलेट। एजी 250 ये टैबलेट की एमआरपी है 119 rupees फॉर 10 टैबलेट। एजी सिरप 200 की एमआरपी है 47 rupees फॉर 15 ml एंड एजी 100 सिरप की एमआरपी है 42 rupees फॉर 15 ml। नेक्स्ट ब्रांड है ऑगमेंटिन। ऑगमेंटिन इस ब्रांड की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है GSK। ऑगमेंटिन का कंटेंट है एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लैवुलिनेट। ऑगमेंटिन में भी दो फॉर्मुलेशन आते हैं, टैबलेट एंड सिरप। अब बात करते हैं इसके वेरिएंट्स की, तो ऑगमेंटिन 625 टैबलेट, ऑगमेंटिन 375 टैबलेट, सिरप ऑगमेंटिन 228.5 mg एंड सिरप ऑगमेंटिन 457 mg। ये इन तरीके के फॉर्मुलेशन और इन तरीके के वेरिएंट्स आते हैं। अब बात करते हैं इसकी एमआरपी की। ऑगमेंटिन 625 टैबलेट की एमआरपी है 201 rupees फॉर 10 टैबलेट। ऑगमेंटिन 375 टैबलेट की एमआरपी है 219 rupees फॉर 10 टैबलेट। सिरप ऑगमेंटिन 228 की एमआरपी है 60 rupees फॉर 30 ml। सिरप ऑगमेंटिन 457 की एमआरपी है 157 rupees फॉर 30 ml। अगला ब्रांड है ओपॉक्स। ओपॉक्स इस ब्रांड की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है हेट्रो। ओपॉक्स का कंटेंट है सेपाटॉक्सिन। अब ओपॉक्स में भी फॉर्मुलेशन आते हैं टैबलेट एंड सिरप। अब बात करते हैं इसके वेरियंट्स की, तो ओपॉक्स 200 mg के टैबलेट आती है, ओपॉक्स 100 mg की टैबलेट आती है, साथ में ओपॉक्स CV 200 की भी टैबलेट आती है। अगर सिरप की बात करें तो ओपॉक्स सिरप 50 एंड सिरप ओपॉक्स 100, ये अलग अलग वेरिएंट आते हैं। अब बात करते हैं इसकी MRP की।
टैबलेट ओपॉक्स 200 की एमआरपी है 158 रुपीज़ फॉर 10 टैबलेट। टैबलेट ओपॉक्स 100 की एमआरपी है 111 रुपीज़ फॉर 10 टैबलेट। एंड देन ओपॉक्स सीवी 200 की एमआरपी है 290 रुपीज़ फॉर 10 टैबलेट। सिरप ओपॉक्स 100 की एमआरपी है 131 रुपीज़ फॉर 30 ml। सिरप ओपॉक्स 50 की एमआरपी है 69 रुपीज़ फॉर 30 ml। अब अगला ब्रांड है जीपी। जीपी इस ब्रांड की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एफडीसी। जीपी का कंटेंट है सिपिक्सिंग। अब जीपी में भी अलग अलग वेरिएंट आते हैं, जैसे जीपी टैबलेट 200 में है, टैबलेट जीपी सीवी है, टैबलेट जीपी ओजेड है, टैबलेट जीपी एजेड है। अब बात करते हैं इनकी एमआरपी की। टैबलेट जीपी 200 की एमआरपी है 107 रुपये जो 10 टैबलेट की स्ट्रिप है, और टैबलेट जीपी सीवी की एमआरपी है 278 रुपीज़ फॉर 10 टैबलेट। अगला एंटीबायोटिक ब्रांड है रिफागट। रिफागट इस ब्रांड की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है सन फार्मा। रिफागट का कंटेंट है रिपाक्सिमिन। अब इसमें अलग अलग वेरिएंट आते हैं, जैसे रिफागट 200, रिफागट 400 एंड रिफागट 550 mg। अब बात करते हैं इनकी एमआरपीज की। टैबलेट रिफागट 200 की एमआरपी है 197 रुपीज़ फॉर 10 टैबलेट। टैबलेट रिफागट 400 की एमआरपी है 366 रुपीज़ फॉर 10 टैबलेट। एंड टैबलेट रिफागट 550 की एमआरपी है 455 रुपीज़ फॉर 10 टैबलेट। अगला एंटीबायोटिक ब्रांड है अल्मोक्स। अल्मोक्स इस ब्रांड की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है सिप्ला। अल्मोक्स का कंटेंट है एमोक्सिसिलिन। अल्मोक्स में 500 एंड 250 ये दो तरीके के वेरिएंट आते हैं। कैप्सूल अल्मोक्स 500 की एमआरपी है 72 रुपीज़ एंड कैप्सूल अल्मोक्स 250 की एमआरपी है 25 रुपीज़। अगला एंटीबायोटिक ब्रांड है सिप्लॉक्स। सिप्लॉक्स इस ब्रांड की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है सिप्ला, और इस ब्रांड का कंटेंट है सिप्रोफ्लॉक्सेसिन। सिप्लॉक्स में भी अलग अलग वेरिएंट आते हैं, जैसे सिप्लॉक्स 500, सिप्लॉक्स 250, सिप्लॉक्स टीजेड एंड सिप्लॉक्स का एक आई ड्रॉप भी आता है। अब बात करते हैं इनकी एमआरपीज की। सिप्लॉक्स 500 की एमआरपी है 41 रुपीज़ फॉर 10 टैबलेट। इसके बाद सिप्लॉक्स 250 की एमआरपी है 23 रुपीज़ फॉर 10 टैबलेट। देन सिप्लॉक्स टीजेड की एमआरपी है 155 रुपीज़ फॉर 10 टैबलेट। और सिप्लॉक्स आई ड्रॉप की एमआरपी है 17 रुपये। अगला एंटीबायोटिक ब्रांड है जोसेफ। जोसेफ इस ब्रांड की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है अल्केम। जोसेफ का कंटेंट है सेपिरोक्सिम। अब जोसेफ में भी अलग अलग वेरिएंट आते हैं, जैसे जोसेफ 500, जोसेफ 250, जोसेफ सीवी एंड सिरप जोसेफ 125। अब बात करते हैं इसकी एमआरपी की। जोसेफ 250 की एमआरपी है 445 रुपीज़ फॉर 10 टैबलेट। देन जोसेफ 500 की एमआरपी है 810 रुपीज़ फॉर 10 टैबलेट। जोसेफ सीवी की एमआरपी है 519 रुपये, 6 टैबलेट की ये स्ट्रिप आती है। देन 230 रुपये एमआरपी है सिरप जोसेफ 125 की। अगला और लास्ट एंटीबायोटिक ब्रांड है ओफ्लॉक्स। ओफ्लॉक्स इस ब्रांड की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है सिप्ला। इस ब्रांड में कंटेंट आता है ओफ्लॉक्सेसिन। अब बात करते हैं इनकी वेरिएंट्स की, तो टैबलेट ओफ्लॉक्स 200, सिरप ओफ्लॉक्स 100, ओफ्लॉक्स आई ड्रॉप एंड ओफ्लॉक्स ओजेड, ये अलग अलग वेरिएंट आते हैं। अब बात करते हैं इनकी एमआरपीज की। टैबलेट ओफ्लॉक्स 200 की एमआरपी है 69 रुपीज़। टैबलेट ओफ्लॉक्स ओजेड की एमआरपी है 185 फॉर 10 टैबलेट। ओफ्लॉक्स आई ड्रॉप की एमआरपी है 40 रुपीज़ फॉर 5 ml। और लास्ट सिरप ओफ्लॉक्स 100 की एमआरपी है 135 रुपीज़ फॉर 60 ml। तो ये सारे मोस्ट डिमांडेड एंटीबायोटिक्स ब्रांड है जो डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं, इसलिए आपको एक मिनिमम क्वांटिटी में तो अपने स्टोर में ये अवेलेबल करने ही चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसी प्रकार के फार्मा रिलेटेड जानकारी के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।